पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा मुरादाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता करते हुए सपा बसपा के गठबंधन को वोट करने की अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, वहीं उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को वोट न करने की बात कही। तौकीर रजा ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को इस्तेमाल करती रही है, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने मुसलमानों का बुरा हाल किया। भाजपा ने सिर्फ मुसलमानों पर आरोप लगाया है कि मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन मुसलमानों को गिरफ्तार और एनकाउंटर कांग्रेस ने ही किया है। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि कांग्रेस को रोका जाए, कांग्रेस बहुत ही गद्दार पार्टी है। वहीं तौकीर रजा ने भाजपा को भी रोकने की अपील की है। मैं आज आप लोगों के दरमियान इसलिए आया हूँ कि जैसा आप जानते हैं मैं खुद एक सियासी पार्टी हूँ, लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि इस बार फिरका परस्त ताकतों को अगर रोकना है तो हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और इस बार हमने अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाया है। और बहुत सोचने समझने के बाद, गौर करने के बाद, मशवरे करने के बाद ये फैसला किया गया हमारी पार्टी में कि इस बार हमें बहुत सूझबूझ के साथ काम करना है और फिरका परस्त जमातों को रोकना है, साथ ही उन लोगों को भी रोकना ज़रूरी है जो मुसलमानों का इस्तेमाल और इस्तेहसाल करते रहे हैं। मेरी मुराद कांग्रेस से है, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। 2004 से 2014 तक का हाल अगर मुसलमान भूल गया है तो ये बहुत तकलीफ की बात है। कोई दिन ऐसा नहीं था जब दंगा ना होता हो, फसाद ना होता हो, बम ब्लास्ट ना होता हो, हमारे बच्चों का झूठा इनकाउंटर ना होता हो, झूठे इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में हमारे बच्चों को जेलों में ना ठूसा जाता हो। 25-25 साल के बाद छूट के आए हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने या फिरका परस्त जमातों ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी कह के हमें गिरफ्तार हमारे बच्चों को कांग्रेस ने ही किया, इनकाउंटर कांग्रेस ने ही किया। सच्चर आयोग बनाया गया, सच्चर आयोग, ऐसे हजारों तकलीफें हैं जो कांग्रेस ने हमें पहुंचाई हैं। मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि हमें इस बार कांग्रेस को रोकना है। मुसलमान, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ हमेशा धोखा किया है, विश्वासघात किया है। और मैं चुनाव में हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं आया हूं। जिस तरह मुसलमानों के साथ विश्वासघात कांग्रेस ने किया है, उसी तरह हिंदू समाज के साथ विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जीएसटी के लिए उनकी सरकार नहीं बनवाई गई थी, नोटबंदी के लिए उनकी सरकार नहीं बनवाई गई थी, उनकी सरकार इसलिए बनवाई गई थी कि राम भक्तों को राम मंदिर चाहिए था, लेकिन इनकी नियत मंदिर बनाने की नहीं थी, इनकी नियत सरकार बनाने की थी। तो हर हिंदू से मैं ये अपील करता हूँ कि जो विश्वासघाती है वो न हिंदू को पसंद आएगा न मुसलमान को। हम कांग्रेस की मुखालफत, हर मुसलमान कांग्रेस की मुखालफत करेगा, इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा, इसलिए कि मुसलमानों के साथ विश्वासघात हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हर खुददार हिंदू जो ये समझता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। मैं आपके यहाँ देर से आया हूँ और अभी कई जगह मुझे और भी देर से जाना है। सरकार गठबंधन की इंशाल्लाह बन रही है। हाँ, नहीं नहीं, 80 सीटों से नहीं बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन हो रहा है। लालू प्रसाद भी गठबंधन में शामिल है, लालू के बगैर सरकार नहीं बनती है देश की, शरद पवार के बगैर सरकार नहीं बनती है, ममता बनर्जी के बगैर सरकार, इस बार इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार बननी है। सबका विलय, मैं बताता हूँ, कांग्रेस भी कल मजबूर होगी गठबंधन के साथ आने के लिए, सरकार गठबंधन की बननी है, कांग्रेस की नहीं बननी है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हमें तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थन देगी उसे भी कबूल कर लेंगे। हमें देश की सत्ता बनानी, सत्ता पे कब्जा करना है, और इस बार हिंदू और मुसलमान सब मिलके गठबंधन की सरकार देश में बनने वाली है। तो बीजेपी का समर्थन भी ले लेंगे
जो समर्थन देगा, जो समर्थन देगा लिया जाएगा। कांग्रेस लोगों को यह गलत फहमी है कि कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस हमारे गठबंधन में आएगी, हम